हिंदू धर्म में पूजा में श्रीफल यानी नारियल का अत्यधिक महत्व रहता है। देवी देवताओं के मंदिरों में नारियल चढ़ाने के अलग अलग विधान है। नर्मदा नदी में भी नारियल चढ़ाने का अपना एक विधान है, लेकिन देखा जाता है कि लोग नर्मदा में नारियल चढ़ाते हुए पानी में फेंक देते हैं, जबकि यह तरीका बिल्कुल गलत है। तो फिर सही तरीका क्या है, चलिए आपको बताते हैं। बता दें कि शिवपुत्री नर्मदा विश्व की इकलौती नदी है जिसकी पूर्ण परिक्रमा की जाती है। गंगा में डुबकी लगाने से जो पुण्य मिलता है वह नर्मदा के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है, इसीलिए नर्मदा की महिमा और भी अधिक बढ़ जाती है। नर्मदा का पूजन का अपना एक विधान है जिसका पालन करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। मध्य प्रदेश के खरगोन की पवित्र नगरी मंडलेश्वर के निवासी ज्योतिषाचार्य एवं कथावाचक पंडित पंकज मेहता ने बताया कि पवित्र स्थलों एवं नदियों में पूजन सामग्री अर्पित की जाती है। नर्मदा में श्रीफल चढ़ाया जा रहा है, उसे चरणों में अर्पण के भाव से होना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ पर जो भी सामग्री है, पूजन सामग्री है, वो अर्पित की जाती है। नर्मदा जी पे श्रीफल भी यदि नारियल भी चढ़ाया जा रहा है तो अर्पण के भाव से होना चाहिए। और अर्पण का जो तरीका होता है, जिसमें फल अर्पण जो हम करते हैं या हम जो अर्घ्य अर्पण करते हैं, वो दोनों हाथों में लेकर के उसको उनके चरणों में समर्पित करते हैं। तो नर्मदा जी के जो तट है, वो तट पर जाकर पे ही उनको अर्पण करना चाहिए। तट के जो जल होता है, तट स्थित जल, जल के अंदर उसको प्रवाहित कर देना चाहिए। फेंकना वो एक अपमान है। जैसे हम किसी को कोई सामग्री देते हैं तो दोनों हाथों से उसके हाथों में देते हैं, न कि हम उसके ऊपर फेंक करके देते हैं। फेंक करके देना तो अपमान सूचक होता है, किसी कोई हम चीज़ फेंक करते हैं, नर्मदा जी का अपमान माना जाए। तो हमें नर्मदा जी के प्रति भक्ति रखते हुए दोनों हाथों से उनके तट पर जो जल प्रवाहित हो रहा है उसमें छोड़ना चाहिए। ये छोड़ने का विधान, फेंकने का विधान, ये सब कहाँ मतलब कहीं ब्रह्म पुराण में भी इसका विधान का वर्णन है, नारद पुराण में भी इसका वर्णन आया है, और स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है कि हमें कैसे, और स्मृति ग्रंथों में तो है ही कि हम किस प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए और उसका महत्व क्या है। नर्मदा में श्रीफल चढ़ाया जा रहा है तो उसे चरणों में अर्पण के भाव से होना चाहिए। लोकलिटीन खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारियां और तथ्य मान्यताओं के आधार पर हैं। न्यूज 18 लोकल किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है।